प्रैक्टिस सेट 3.3, प्रैक्टिस सेट 3.3 में आपको क्या निकालना है, क्यू रूट्स। आपको नंबर्स दिया गया है क्वेश्चंस में, ओके। क्वेश्चन में आपको जो नंबर दिया रहेगा उसका आपको क्या निकालना है, क्यू रूट, ओके। क्यू रूट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका फैक्टर्स निकालना पड़ेगा, ओके। क्योंकि नंबर्स बड़े हैं, अगर आपको 10 तक का क्यूब याद है तो आप उसको इजिली कर सकते हो, अगर नहीं याद है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फैक्टर निकालना पड़ेगा। हमारा फर्स्ट नंबर है 8000, ओके। पहले हमें फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ये 8000 है हमारा, हमें क्या करना है, प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते जाना। मैं 2 से करता हूँ, 2 से करूँ तो कितना हो जाएगा मेरा 4000, और 2 से करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा इधर 2000, वापस मैं 2 से करता हूँ तो कितना हो गया मेरा 1000, ओके। मैं उसको वापस से 2 से कर सकता हूँ, कितना मिलेगा अगर 2 से करूंगा तो मैं 500, एक और बार मैं 2 से कर सकता हूँ इसको, कितना आ जाएगा हम लोग का 250, इसको एक और बार 2 से करता हूँ कितना मिलेगा 125। अब देखो हम लोग 2 के टेबल में 125 नहीं आने वाला, हम लोग कौन सा नंबर, दूसरा नंबर लेते, ओके। मैं इसमें भी 5 का टेबल देता हूँ, 5 का टेबल 125 आएगा, कितना जमा आएगा देखो, 5 2 10 हो जाएगा, इधर 2 बचा और 525 का बात है 5 के टेबल में 5, ओके। अब 25 का आएगा 5 के टेबल में वापस 5, अब लास्ट हो गया हमारा 5 1 7, ओके। कैसे वापस देखो चेक करना है तो 5 5 5 5 5 25 5 25 125 2 125 150, तुम उसको करोगे तुम लोग का आंसर आते रहेगा, ओके। पहले हम उसका क्या निकाल लेते हैं, पूरा फैक्टर्स लिख लेते हैं। आप लोग का फैक्टर्स क्या हो जाएगा 8000 का 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ओके, × 5 × 5 × 5, आपका 6 × 2 थे और 3 × 5 था, ये मैंने लिख लिया। अब आपको निकालना क्या है, इसमें क्यूब निकालना है, ओके। क्यूब निकालने में हम लोग क्या काम करते हैं, जो हम लोग का सेम नंबर के फैक्टर रहते हैं उसका हम लोग एक सेट बनाते हैं, ओके। अब अगर हम लोग को स्क्वायर निकालना है तो हम लोग क्या काम करेंगे, दो दो नंबर का सेट बनाएंगे, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, इसमें क्यूब निकालना, तो कितने का सेट बनाएंगे, तीन तीन नंबर्स के, तीन सेम नंबर्स, ओके। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये हम लोग का क्या हो गया, थर्ड हो गया, ओके। हम लोगों ने क्या काम किया, तीन तीन नंबर के सेट बना लिए सारे फैक्टर्स में। अब हम लोग क्या आ जाएगा फिर, अब सेट जितना बना उसको हम एज इट इज लिखेंगे। पहला सेट किसका है मेरा 2 का, सेकेंड सेट क्या मेरा वापस 2 का, और थर्ड सेट मेरा क्या है 5 का, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 10, 10 2 20, तो मेरा 8000 का रूट कितना हो जाएगा, क्यूब रूट कितना हो जाएगा 20, ये आपका आंसर क्लियर है। अब प्रैक्टिस सेट 3.3 का सेकंड क्वेश्चन, आपका सेकंड नंबर है 729, ओके। अभी हम लोग क्या काम करेंगे, 729 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे। अब आपका नंबर 729 है वो आपको पता है 2 के टेबल में नहीं आने वाला, क्यों, क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो 3 के टेबल में ट्राई करेंगे, ओके। 729 3 के टेबल में करेंगे तो 3 2 6 होता है मेरा, इधर 1 बचा, 1 और 2 12 हो गया, 12 का बाद हम लोग का 3 4 होता है, और 3 3 9, ओके। अभी हम लोग इसको वापस से करते हैं, 3 के टेबल में 24 का बाद है हम लोग का 3 के टेबल में डिवाइड करेंगे, 3 के टेबल में 8 का आता है 7। अभी हम लोग क्या काम करेंगे, 729 का फैक्टर निकालेंगे, ओके। 729, अब हम लोग को पता है ये क्या हमारा ऑड नंबर है, तो हम 2 में नहीं जाएंगे, ओके, हमें डायरेक्ट 3 से शुरू करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 के टेबल में 3 2 6, 1 बचा, 1 और 2 12, 12 का बात है 3 4 12 में, और 9 का आएगा 3 3 9,
वापस हम लोग थ्री के टेबल में जा सकते हैं। थ्री के टेबल में 24 कब आता है, 8 जा, ओके, और हम लोग का 3 कब आता है, 1 जा। अब हम लोग का ये आ गया, अब हम लोग 81, ओके 81 कब आता है हम लोग का, 27 के टेबल में आता है, 27 3 जा 81। तो लो थ्री के टेबल में वापस जाएंगे कब आ जाएगा, देखो 2 3 जा या 3 2 जा 6 हो गया, ओके हम लोग का 2 बचा और यहाँ 21 कब आता है हम लोग का, 7 जा, तो हो गया हम लोग का आंसर। अब हम दोस्तों वापस क्या काम करेंगे, देखो 27 हम लोग का 3 के टेबल में जा रहा है, कितने जब में जाते हैं 3 के टेबल में, 9 3 जा 27, 9 कब आता है, 3 3 जा 9, और हम लोग का 3 कब आएगा, 3 1 जा। आपको कब तक इसको सॉल्व करना है, जब तक आपका नीचे आंसर 1 नहीं आता, ओके वापस देखो अगर आंसर चेक कर सकते, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27 21 3 जा 81 81 3 जा 243 एंड 243 3 जा 729। हम लोग इसका फैक्टर मिल गया पूरा, हम लोग क्या मिला, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। मैंने आप लोगों को बताया आपको फैक्टर में क्या करना रहेगा, इसके बाद आपको क्यूब निकालना है, क्यूब निकालना मतलब आपके फैक्टर्स में 3 3 का सेट बनाना है, ओके सेम नंबर्स के सेट बनाने का, ठीक है। देखो ये मेरा फर्स्ट सेट हो गया 3 नंबर्स के, और ये मेरा सेकंड सेट हो गया 3 नंबर का। हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, पहला सेट किसका है 3 का, मल्टीप्लाई में सेकंड सेट भी किसका है मेरा 3 का, तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, 3 3 9। तो हम लोग का क्यूब रूट ऑफ 729 का क्या आ गया आंसर, 9। इजी है, क्लियर है ना आपको, प्रैक्टिस सेट 3.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके 5 − 5 = 2। और देखो आपको आंसर इसमें क्या दिया है, सॉरी आपको क्वेश्चन किसमें क्या दिया है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है −5 = 1 2, ओके मतलब −512। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, माइनस दिया, तो आपका आंसर किसमें आएगा, हम लोग का माइनस में आएगा। रीजन आपको पता है क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है हमारा, प्लस होता है, करेक्ट। लेकिन क्यूब है मतलब हम लोग का नंबर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, 3 टाइम्स होता है, ओके तो हम लोग क्या हो जाएगा, माइनस 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 कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो आपका आंसर किसमें आएगा, वापस माइनस में आएगा, ओके। पहले हम लोग 5 / 2 का फैक्टर निकाल लेते, 5 / 1 = 2, हम लोग उसको पहले 2 से करेंगे, ओके तो 2 से हम लोग उसको फैक्टर निकालते हैं, तो 2 से कितना हो जाएगा, 2 2 = 4, 1 बचा, 1 और 1 11, 5 = 10, वापस 1 बचा, 1 और 2 12, 12 का बात है हम लोग का 6, ओके। हम लोग क्या करें, सिंपल डिवाइड करें, जो डिनोमिनेटर रहता है उसको हम लोग उसको वही रख के उसको सिर्फ डिवाइड करते, ओके वापस हम लोग 2 से कर सकते हैं, 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 जा, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 4 आता है, कितने जा में, 2 जा, यहाँ 1 बचा, 1 और 6 = 60, 2 के टेबल में 16 कब आता है, 8 जा, इसको वापस से डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से, 12 कब आता है, 6 जा, 8 कब आता है हम लोग का, 4 जा, वापस 2 से डिवाइड करो कितना आया, 32, ठीक है। वापस हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर कितना आएगा, 16, वापस हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, आया आंसर 8, ओके 2 से डिवाइड किया मेरे को और कितना मिलेगा अभी, 4, वापस मैंने 2 से डिवाइड किया 2, एंड लास्ट हमारा 2 से करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 1। हम लोग क्या किया, इसको पूरा 2 से डिवाइड किया, मेरा लास्ट में 1 आ गया, मतलब मेरा फैक्टर निकल गया, ओके। हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको फैक्टर्स लिख लेते हैं, हम लोग का फैक्टर कितने टाइम्स आए, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके हम लोग कितना मिला, 9 × 2 मिल गया, ओके इसको मैंने क्या किया, पूरा फैक्टर लिख लिया। अब हमें क्यूब निकालना है, मतलब क्या होगा, हम लोग को 3 3 का सेट बनाना है, ये मेरा फर्स्ट सेट हो गया, ये मेरा सेकंड सेट हो गया, ये मेरा थर्ड सेट हो गया। अब सेट को लिखते हैं, फर्स्ट सेट मेरा किसका है, 2 का, सेकंड सेट भी मेरा किसका है, 2 का, और थर्ड सेट मेरा क्या है, वो भी 2 का ही है, ओके। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 2 2 = 4 4 2 = 8, क्लियर है। लेकिन हम लोग का नंबर किसमें था, माइनस में था, तो हम लोग का आंसर कितना आएगा, माइनस है, मतलब हम लोग को क्यूब रूट ऑफ −5 / 2 कितना मिलेगा, −8, क्लियर है इतना।
प्रैक्टिस है 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। अभी आप लोगों को क्या करने का है, 27 अपॉन 125 इसका क्या निकालना है आपको, क्यूब रूट निकालना है। ओके चलो क्या काम करेंगे, पहले इन लोगों को फैक्टर्स निकाल लेते हैं। दोनों कैसे लिखेंगे, सेम वैसे हम लोग का रूट में ही आएगा, ये हम लोग का क्यूब रूट है। 27 का फैक्टर क्या हो जाएगा हम लोग का, 3 × 3 × 3। ओके देखो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, तुम लोग को अगर नहीं है तो तुम लोग उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके 3 × 3 × 3। आपको सेम ऐसे 125 का फैक्टर क्या निकलेगा, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125। तो मतलब कितना आ गया हम लोग का, 5 × 5 × 5। ओके अब हम लोग को तीनों का है, दोनों का सेट मिल गया तीन तीन नंबर का, तो हम लोग को क्या भी आगे आ जाएगा, 3 upon 5। एक हम लोग का 3 3 का सेट है, मतलब क्या होगा, ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है, करेक्ट। तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं उसको, क्यूब ऑफ 3 upon 5 का क्यूब। अब इसको हम लोग क्या काम करेंगे, उसको कॉमनली ले सकते हैं, तो क्या मिलेगा, क्यूब रूट ऑफ 3 upon 5 द होल क्यूब। अब देखो इधर आपका क्यूब रूट है और इधर आपका क्या है, क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों आपस में कट हो जाएंगे। ओके तो आपको क्या मिलेगा आंसर, 3 upon 5, और ये आपका आंसर है। मीन्स आपको रूट क्यूब रूट ऑफ 27 upon 125 का आंसर क्या मिला, 3 upon 5। क्लियर है इतना, सेम ऐसे हम लोग इसका भी निकाल लेते, हम क्या दिया है इसमें, क्यूब रूट ऑफ 16 और 54। 16 किसका आ जाएगा हम लोग का, पहले इसका फैक्टर निकाल लेते 16 का, तो हम लोग क्या मिलता है, 2 × 2 × 2 × 2। ओके 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। सेम ऐसे हम लोग का भी क्या करेंगे, 54 का निकाल लेते, तो 54 क्या हो जाएगा हम लोग का, उसका फैक्टर निकालेंगे तो 2 × 3 × 3 × 3। 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 27, 27 × 2 = 9, कितना मिल जाएगा, 54। अब देखो इधर आपका क्या है, ये 2 2 का तीन सेट बन गया, इधर 3 3 का तीन सेट होगा, लेकिन यहाँ लोगों जो ये दोनों 2 है वो न्यूमरेटर में भी है एंड डिनोमिनेटर में है, तो हम लोग क्या काम करते हैं, तो उसको इजिली कट कर सकते हैं। जैसा हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नॉर्मली कैसे कट करते हैं, सेम वैसे हम उसको कट कर सकते हैं। ओके अब देखो हम लोग इधर भी 3 सेट मिल गया, इधर भी 3 सेट मिल गया, बस ध्यान देना इधर आपका जो दोनों सेम नंबर रहेगा तो ही कट होगा वो। ओके अगर नहीं है सेम नंबर तो हम उसको कट नहीं कर सकते। तो हम लोग का भी आंसर क्या मिला इधर, क्यूब रूट ऑफ 16 का हम लोग का फैक्टर क्या मिला, 2 मिला, मतलब 2 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब। ओके अभी हम लोग क्या काम करेंगे उसको, तब होल क्यूब बना सकते हैं, तो हम लोग क्या मिलेगा, क्यूब रूट ऑफ 2 upon 3 द होल क्यूब। हमारा इधर क्या है, ये क्यूब रूट है और ये हम लोग का क्यूब है, दोनों आपस में कट हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर क्या आ गया अभी, 2 upon 3। मतलब हम लोग को √16/54 का आंसर क्या मिला, 2 upon 3। क्लियर है इतना।